चुके हैं मचान प्लांटेशन रिसोर्ट में। ये मतलब सकलेशपुर से अराउंड 40-45 मिनट दूर है। इनको लगता है हम खाना देगा। घाट्स हैं और हिल साइड है, उसके बीच में है ये प्रॉप सैंडविच। सर ये सैंडविच में क्या क्या जो जो होती है दिन भर में उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप लोग ने मेरा डे वन का वीडियो देखा होगा। वेलकम टू डे टू ऑफ आवर सकलेशपुर टूर। तो आज बादल तो है, अगेन ओवरकास्ट कंडीशंस, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं है। कहीं से तो एक मोर की आवाज़ ना सुबह से आ रही है, कौन से एरिया में, मेरे को लगता है वहाँ पे वो जो डीप थोड़े से प्लांटेशन है ना वहाँ कहीं पे मोर होते हैं एंड छोटे छोटे बर्ड्स हियर एंड देयर है ही हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने एंड उसके बाद ट्राई करता हूँ कि एक बार नहा धो के आपको प्रॉपर्टी का टूर दूंगा। तो गाइस फ्रॉम अ ब्रेड पर्सपेक्टिव यहाँ पे वी हैव ब्रेड बटर जैम, वी हैव ओनियन उत्तपम मसाला दोस्त सांबर कुंडी, दिस इज समथिंग न्यू विच आई हैव सीन। ये आई थिंक राइस बॉल्स हैं, कुरमा है, ये आई थिंक राइस के बॉल्स हैं। देन दो टाइप की चटनी है, टोमेटो चटनी एंड कोकोनट चटनी। यू हैव ग्रीन मटर पूरी एंड उसके साथ भाजी भी है, आई थिंक आलू की भाजी है मीडियम रस्ते वाली। फिर पोहा है एंड देन असॉर्टमेंट ऑफ फ्रेश कट फ्रूट्स सैंडविच। सर ये सैंडविच में क्या क्या वेज सैंडविच है? ओके, देन यू हैव ग्रिल्ड टोमेटो एंड पोटेटोज हियर एंड ये लाइव काउंटर है। एग डोसा भी होता है भैया? डोसा अंदर होता है। ओके, यू हैव चिकन सॉसेज एंड ऑल दैट, दो चिकन सॉसेज भी दीजिएगा। एंड सर यहाँ पे आपके फ्रेश जूसेस, कॉर्नफ्लेक्स, टी एंड कॉफी, काफी एलाबोरेट ब्रेकफास्ट स्प्रेड है इनका एंड अलोंग विद दैट दिस व्यू। तो यार नाश्ता वगैरह करने के बाद नहा धो के हम लोग हो गए रेडी, बट अगेन एज यूजुअल हो गए थोड़ा सा लेट। तो हम रुके हैं मचान प्लांटेशन रिसोर्ट में। ये मतलब सकलेशपुर से अराउंड 40-45 मिनट्स दूर है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मतलब जो बिस्ले घाट का रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादा जो घाट्स हैं और हिल साइड है उसके बीच में है ये property, so that's why all the greenery around. So let me just very quickly start with the tour. ये parking है, entry भी यहीं से होती है ऊपर parking से। just सामने आपका reception area है and there's a small pond as well. अभी पता नहीं ज़्यादा lotus लगे नहीं है, usually रहते हैं। coffee plantation यहीं से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा start हो जाता है and उसी के साथ इन पेड़ों पर cinnamon भी लगता है। येस्टरडे जब हम लोग चेक इन किए बहुत क्विकली चेक इन हो गया था हमारा, तो वी हैव मिस्टर मनु ओवर हियर, ही हेल्प्ड अस विद वेरी क्विक चेक इन। एंड यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ जो जो होती है दिन भर में उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन दिया रहता है। सो टुडे दे हैव व्हाट फिश फीडिंग, बॉनफायर, पॉटरी, तीनों है एंड टुमारो दे हैव ट्रैकिंग एट 7 AM। सो बता रहे थे कल मुझे दो टाइप की ट्रैकिंग होती है, देर इज वन स्मॉलर ट्रैक, अनदर वन इज अ बिगर ट्रैक, अराउंड 1.5 hours 2 hours का ट्रैक होता है। तो हम लोग तो आज तो ही हुए थे, उठे नहीं। लेट्स गो फर्दर, यहाँ पे बढ़िया से लैंडस्केपिंग करी हुई है, प्लांट्स हैं यहाँ पे एंड अगेन वी कम टू द फिश पॉन्ड। कल भी इस एरिया से हम 2-3 बार गए। इनको लगता है हम खाना देगा, फिशेस हमारे पास खाना नहीं है। वो रहा रेस्टोरेंट जहाँ हम अभी जाएंगे लंच के लिए एंड देन ओवर हियर यू हैव ओपन लॉन। सो अगर किसी को छोटी पार्टी वगैरह भी करनी है ना सो यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट के ऊपर ना एक प्लेइंग एरिया है, वहां पे जाके देखते हैं। रेस्टोरेंट तो कल शाम को भी आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे बढ़िया एक चेस का बोर्ड बना के रखा है उन्होंने वुडन लॉक पे, कैरम। और हम वहां से अभी आए कैरम खेलने के लिए है। हाई चेयर से बैठने के लिए अगर सिर्फ बैठना है और व्यू एंजॉय करना है तो टेबल टेनिस, अगेन वहां पे भी आप बाहर बालकनी में जाके बैठ सकते हो। और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है, एंड ऑफ कोर्स पूल टेबल। सर ऑल इन ऑल एक अच्छा सा सेटअप बना रखा है इन्होंने। ये डीकेज अल्टीमेट विजुअल डिक्शनरी, ये कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। ओ माय गॉड, इरिडियम फोन। ये आई थिंक ना ये काफी बच्चों के पास थी, 90s के जो बच्चे थे, 90s और 2000s के, ये घर घर बेचने आते थे लोग। इसमें पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का और हबल, नहीं हबल स्पेस का सबसे पहले। नाइस। ये यार कितने दिन तक थी मेरे पास भी। ये देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी लिखा है। यार मेरे को सीरियसली बताओ कमेंट बॉक्स में, आपके पास ये थी कि नहीं थी? मेरे को लगता कि हर मैं मतलब कितने दोस्तों के घर गया उनके यहाँ भी ये होती थी। तो आ जाते हैं अपन लोग अपने रूम्स के तरफ। तो ऐसे यहाँ पे कॉटेजेस है जिसमें दो रूम्स ऊपर हैं, दो रूम्स नीचे है, एंड ऊपर जाने के लिए बीच से सीढ़ियाँ। तो आज सुबह हम लोग यहीं बैठे थे, बादल वगैरह देख रहे थे, एंड साथ ही साथ यहाँ पे ना काफी सारे इन दो पेड़ों पे बर्ड्स बहुत थे। चलते हैं रूम के अंदर एंड दिखाता हूँ आपको। सो जाते सर, यू हैव योर किंग साइज बेड ओवर हियर। यहाँ पे एक अच्छा सा दो लोग के बैठने के लिए सोफा टाइप का है। हमने पूरा अपने सामान से भर दिया, हमारा हमारी बेटी का सामान। यहाँ पे एक रेस्ट करने के लिए रेस्टिंग चेयर है, प्लस यू हैव दिस टूल ऑन विच यू कैन कीप योर लेग्स ऑन, आराम से बैठ सकते हो फैल के। ये पूरा फ्रेंच विंडो है, ये पूरा ओपन हो सकता है, आप सब बाहर देख सकते हो रात को शाम को। ये यहाँ फ्रेंच विंडो है, ये आप ओपन कर सकते हो अगर आपको मच्छर वगैरह से डर नहीं लगता तो, ना मच्छर बहुत है। दिस इज अ वर्किंग डेस्क ओवर हियर, पूरा आपका खाने वगैरह का जो भी पैंट्री का सामान है वो यहाँ पे आ जाता है। दे हैव गिवन अ इलेक्ट्रिक केटल ऑल्सो, अ टीवी। गुड थिंग इज कि ये ऐसे मूव होके पूरा बेड को फेस करता है, तो कल मैं मैच देख रहा था थोड़ी देर शाम को बैठ के। देन कमिंग टू दिस साइड, यू हैव योर बिग ड्रेसिंग मिरर, आपका अलमारी दी हुई है सामान रखने के लिए एरिया है। एंड देन ओवर हियर यू हैव योर वॉशरूम। तो वॉशरूम तो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैंने जितने स्टेज स्टे किए उन सब में काफ़ी सबसे बड़ा लगा। तो यार मेरे को तो करने नहीं दी पॉटरी, छोटे बच्चे हैं वही लोग कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर मुझे करना भी पड़ा तो मेरा 5-6 लोगों के बाद नंबर है, तो आई डोंट थिंक आई एंड अप डूइंग पॉटरी, बट करना चाहिए यार। मैं एक बार ना सोच भी रहा था, बैंगलोर में कुछ क्लासेस भी लगती हैं। दोपहर से शाम कब हुई पता ही नहीं चला। अभी हम आ गए बॉनफायर की लोकेशन पे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो आज बॉनफायर अंदर ही था, अलोंग विद सम वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री। फिर से बारिश चालू हो गई थी तो हमने डिनर रूम पे ही ऑर्डर कर लिया था। तो कल हम करेंगे यहां से चेकआउट और कोशिश करेंगे टू कवर सम टूरिस्ट स्पॉट्स एंड ईटरीज ऑन अ वे बैक। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।